अल्लाम वरहत लाला वर्क मेरा नाम मोहम्मद अकरम अली ख़ान है मैं रैन बाज़ार के वार्ड नंबर थर्टी वन से यहाँ पर कॉरपोरीटर के इलेक्शन के लिए खड़ा हूँ एक इंडिपेंडेंट की हैसियत से मैं आपसे चंद बातें कहना चाह रहा हूँ कि कॉरपोरीटर का काम क्या है अमूमन लोग ये समझते हैं कॉरपोरेटर वो है जो रोड दला दिया कचरा साफ करा दिया या नाले साफ़ करा दिया तो उसका काम ख़त्म हो गया ये लोगों की गलतफहमी है या कम इलमी का नतीजा है कि लोग बस इस इस हद तक महदूद रह जाते कॉरपोरेटर अगर चाहा तो बहुत सारे काम करा सकता है म्यूनसिपल में एक लेबर डिपार्टमेंट है आप लोगों को पता होगा लेबर डिपार्टमेंट क्या करता सौ रुपये का रजिस्ट्रेशन दे देता लेबर लाइसेंस ले लिए बोल के आप दीवार पे लगा लेते दुकान की ऑफिस की कहीं भी ख़त्म उसका काम हो गया कॉरपोरेटर अगर चाहा तो एक कमेटी फॉर्म कर सकता लेबर डिपार्टमेंट को बोल सकता कि भाई कि मेरे वार्ड में कितने बेरोजगार लोग हैं उनकी क्या सलाहियत है कौन पढ़े लिखे है कौन हाथ का हुनर रखने वाले उनकी लिस्ट बनाइए आप गवर्नर को भेजिए गवर्नमेंट स्टेट असेंबली को भेजती उस पर ला एक्शन लेना पड़ता अगर 2000 हज़ार आदमी आपके पास बेरोज़गार है बल्कि लिस्ट बन गई कारपोरेटर बना के दिया भेजा तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता उसके अंदर अगर एक दो चार लोगों को भी नौकरी मिल गई तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा काम हुएगा कितने घर सुधर जाएंगे कितने परिवार सुधर जाएंगे सबका भला हो जाता और लिहाजा मैं दूसरे ये सब रोड के कचरे के ये मसाइल तो आम मसाइल है इसको भी बेहतर बनाना है सबको मालूम है कितना काम होता है कितना नहीं होता लेकिन मेरा ये मानना है सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये कहा है इजाज़त दी है कि लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करना है डिवोल्यूशन के थ्रू और सेल्फ सेल्फ सस्टेनेबल गवर्नमेंट्स लोकल गवर्नमेंट्स देना है क्योंकि जमहूरीत का मतलब यही है कि लोएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट शुड हैव द मैक्सिमम पावर बिकॉज हमारे जो लोग हैं वो डायरेक्ट कॉरपोरेटर से जुड़ते एम एल से कोई डेली मिलता नहीं कॉरपोरेटर जो है उनके पास डेली रोज गली मोहल्ले में रहता तो उसका काम है कि आपके जो मसाइल है कोई भी मसाइल हो ये बल्दिया के ये सर्विसेज के तो एक पार्ट है इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम उसके अलावा इसका स्कोप बहुत बड़ा है लेकिन शायद दूसरे कॉरपोरेटरों को इसका इल्म नहीं है या उन्होंने किसी और वजह से कराना नहीं चाहते इसलिए आपका आज तक कोई काम नहीं हुआ आप मेरे को एक आज़ाद उम्मीदवार को एक बार एक मौका दे के देखिए मेरे को किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है किसी की हिदायत लेने की ज़रूरत नहीं है मैं अपना काम खुद करूँगा इन पूरी ईमानदारी से करूँगा क्योंकि मेरे को इस चीज़ का एहसास है कि बेरोज़गारी क्या होती लॉकडाउन में मैं खुद छः महीने बेरोज़गार था तो मेरे को उस चीज़ का दर्द है बस इसी वजह से मैं ठहरा हूँ कि लेबर डिपार्टमेंट मेरा सबसे मेन इशू यही है कि जीएचएमसी के अंदर जो लेबर डिपार्टमेंट है उसको उसके पावर्स को बढ़ाना रेजोल्यूशन पास करना कमेटीज़ बना के उसका अपने लोगों की जो बेरोज़गारी की प्रॉब्लम्स है उसको दूर करना बस यही मेरा सबसे मेन इशू है उसके अलावा के काम तो मैं कराऊंगा इन और बेहतर करके बताऊँगा मैं सऊदी अरब में था दस साल कॉन्ट्रैक्टिंग का मेरे को एक्सपीरियंस है कैसा काम कराना तो इन ये काम के साथ साथ जो मैं ज़रूरी मेन काम कराऊंगा वो यही है कि लेबर रिफॉर्म्स लाऊंगा। आपके 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 डिवीजन के आप क्या आपके काम। जी? आपके से आप क्या क्या चाह चाह रहे रहे हैं जी से हैं मैं मेरे ऑपरेटर से यही अपील करूंगा भाई ये एक लोकल इलेक्शन है यहाँ के लोकल मसलों का है कोई बड़े काम यहाँ पर नहीं कराना है आपको कोई सिटीजनशिप का कानून नहीं पास करना है पार्लियामेंट में ना असम्बली में आपको कोई बहुत बड़े बिल्स पास कराना है मामूली से मसाइल है घरेलू मसाइल है महल्ले के मसाइल है मोहल्ले के लोगों को चांस दीजिए मैं यहीं का रहने वाला हूँ चालीस साल से हम लोग यहीं रह रहे हैं हमारे दादा के ज़माने से यहाँ का घर है हमारा बस यही गुजारिश करूंगा आप लोगों से एक बार मेरे जैसे आदमी को वोट देके अपना कीमती वोट का सही इस्तेमाल करके देखिए अगर आपको मेरी बात सही लगी तो मेरे को वोट दीजिए अगर आपको मेरी बात में कुछ भी कमी लग रही तो मेरे को वोट देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये भी मत करिए कि कोई गलत आदमी जिसको मतलब आप जानते कि उन्हें काम नहीं करेंगे फिर भी चुप वोट देने के लिए वोट दे उसको जिता देना है बोल के नहीं आप जाइए नोटा दबाइए किसी को भी मत दीजिए अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा तो बस यही बोलूँगा और दूसरी बात सबसे अहम बात मैं ये बोलूँगा इलेक्शन के दिन वोट आपका हथियार है ये एक बहुत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है बहुत अहम हथियार है ये हथियार का इस्तेमाल हमारे को सही तरीके से करना है अपना वोट डालना है लोग ये समझते भाई मैं लेट जा रहा हूँ मेरा वोट पड़ गया मैं कैसा डालूँ बल्कि उसका भी क़ानून में इजाज़त है एक टेंडर्ड वोट लिस्ट बोल के बनती प्रेसाइडिंग ऑफिसर के पास अगर आपके उंगली पे निशान नहीं है और आपके पास अपना आइडेंटिटी प्रूफ है अपना वोटर कार्ड है तो आप रुआब से जाके बोल सकते हैं कि भाई मेरा वोट मैं नहीं डाला आप देख लीजिए मेरी आई वेरीफाई कर लीजिए टेंडर्ड वोट लिस्ट में, में मेरा नाम लिख के मेरा वोट डालिए तो क्या होगा वो एक जो, एक जो एक्स्ट्रा वोट जो पड़ गया वो माइनस हो जाता लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है तो लोग समझते अरे भाई मेरा वोट पड़ गया अब मैं क्या करूं? लोट नहीं डालते जाके अरे भाई गाय तक पड़ जाता कौन तो भी डाल देते होंगे बोल के ऐसा समझते हो लूमन जो बात कर रहा हूँ मैं तो नहीं जानता लेकिन लुमूमन जो लोग मैं सुन रहा हूँ यहाँ मेहल्ले में फिर के अरे भाई हम ना गए तक हमारा वोट ही डल जाता भाई दल गया तो दल गया कोई गम की बात नहीं है आपके पास आपकी आईडी है आप जाके बोलिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर को मैं इनशाला आपका उम्मीदवार हूँ मेरे पोलिंग एजेंट्स रहेंगे मैं रहूँगा मेरा इलेक्शन एजेंट रहेंगे आपका वोट अगर पढ़ भी गया तो आप लड़के बोल सकते हैं कि मेरा वोट मेरे को डालने दो टेंडर्ड वोट लिस्ट बनाइए उसमें नाम लिखिए और मेरे को वोट डालने दीजिए अपना कीमती वोट वेस्ट मत करिए जिस, जिसको डालना है डालिए लेकिन वेस्ट मत होने दीजिए अपनी जो पावर है उसका सही इस्तेमाल करिए काफी जमाने के बाद बैलेट पेपर पर पे हो रहा वोट अब आवाम को मालूम है बैलेट पेपर का किस तरीके से इस्तेमाल करना है? हम लोग अपने पोलिंग एजेंट्स को बोले हैं कि भाई वहाँ पे जो भी है मॉक पोलिंग के वीडियोस बनाओ क्योंकि पोलिंग से पहले मॉक पोलिंग होंगी उसके वीडियोस बना के दूसरी पार्टी वाले भी बोल रहे कैसा बैलेट पेपर को फोल्ड करना क्या है वो बना रहे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ऐसा ही एक वीडियो बना के लोगों में पहुँचाऊँ कि बैलेट पेपर से वोट कैसा डालना है इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग सही इस्तेमाल करेंगे अब इतने साल हुआ बैलेट पेपर पे तो अभी भी हो जाता हो सकता है शुरुआत में एक आध घंटा दो घंटे लोगों को समझ में नहीं आएगा लेकिन उसके बाद जब उनके लोग दूसरे लोग घर को जाएंगे बोलेंगे भाई ऐसे क्या बात ऐसी है ऐसा करना है बोले तो वो फ्लो में आ जाता सब इनशा मेरा निशान सीटी है पे सात है